नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबी गंगा, मैं हूं स्नेहलता और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लाउड स्पीकर की खबर के साथ। यूपी में लाउड स्पीकर्स को हटाने की कार्रवाई जारी है और आज इस कार्रवाई का आखिरी दिन है। अब कल सभी जिलों के अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपनी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक यूपी में अब तक 22,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स हटाए गए हैं। तो देखिए, 42,000 लाउड स्पीकर्स ऐसे हैं जिनकी आवाज को धीमी किया गया है, जो जरूरत से ज्यादा ऊंची आवाज में बजाए जा रहे थे। तो कल एक फाइनल रिपोर्ट आएगी तो पूरे नंबर्स हमारे सामने होंगे। फिलहाल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक 22,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, जो गैर जरूरी थे, बिना परमिशन के लगाए गए थे, उन्हें हटाया गया है। और 42,000 लाउड स्पीकर्स पूरे यूपी में ऐसे मिले जिनकी आवाज जरूरत से ज्यादा थी, उन्हें धीमी किया गया है। तो कल एक और प्रॉपर रिपोर्ट आएगी। आज आखिरी दिन है लाउड स्पीकर्स पे कार्रवाई का और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बारीक नजर बनाए हुए हैं। और अभी तक जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक 22,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर पर काम कार्रवाई हुई है, जहां 42,000 लाउड स्पीकर्स की आवाज को धीमा किया गया है। तो ठाकरे को भोगी नहीं, योगी चाहिए। दरअसल सीएम योगी का लाउड स्पीकर मॉडल महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे को पसंद आ गया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी हैं। निशाने पर राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और मामला लाउड स्पीकर विवाद का है। लाउड स्पीकर पर योगी मॉडल हिट, राज ठाकरे ने किया ट्वीट। ठाकरे को भोगी नहीं, योगी चाहिए। लाउड स्पीकर के विवाद को जन्म देने वाले राज ठाकरे सीएम योगी के लाउड स्पीकर वाले मॉडल से इतने प्रभावित हुए हैं कि वो अब योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे हैं। राज ठाकरे ने योगी की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया कि धार्मिक स्थलों, खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर मैं योगी सरकार को पूरे दिल से बधाई देता हूँ। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी है। मैं ईश्वर से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता हूँ। अपने ट्वीट में राज ठाकरे ने जहाँ सीएम योगी की तारीफ की है, वही महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार पर जमकर तंज भी कसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ अब महाराष्ट्र के नेता मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने की है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से अवैध रूप में जो लाउड स्पीकर लगे थे उसको हटाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उसकी तारीफ करते हुए राज ठाकरे ने लिखा है कि जिस तरीके से धार्मिक स्थानों से, खासतौर से मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने का काम योगी सरकार कर रही है, उसकी मैं दिल से तारीफ करता हूँ। दुर्भाग्य कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, इस तरीके से उन्होंने अपना एक संदेश जारी किया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। जाहिर तौर से बात है कि महाराष्ट्र में मनसे नेता राज ठाकरे ने सबसे पहले वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहा था कि अगर महाराष्ट्र के अंदर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। गौरतलब है कि लाउड स्पीकर को लेकर लड़ाई राज ठाकरे के बयान के बाद शुरू हुई थी, जिसकी आग धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में पहुंच गई। सबसे पहले काशी में लाउड स्पीकर लगाया तो कासगंज और अलीगढ़ में भी लाउड स्पीकर लगाने की होड़ मच गई। और जब ये लड़ाई हनुमान चालीसा और अजान में तब्दील हुई तो सीएम योगी ने एक्शन लेते हुए सभी अवैध लाउड स्पीकर पर कार्रवाई का डंडा चला दिया। न मस्जिद को बख्शा, न ही मंदिर को। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार ने 30 अप्रैल तक समय दिया था, लेकिन उससे पहले ही यूपी में धार्मिक स्थलों से अब तक 10,929 लाउड स्पीकर को उतारा जा चुका है। वहीं करीब 35,221 लाउड स्पीकरों की आवाज कम कर तय मानक के अनुसार कर दी गई। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस पर हो रही सियासत कब खत्म होगी, कि लाउड स्पीकर को लेकर धार्मिक संस्थानों ने अपनी तरफ से सौहार्द का परिचय दिया है, लेकिन सियासत की आग कभी भी खेल खराब कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो जिस लाउड स्पीकर को लेकर सियासत चल रही है और उसकी आवाज महाराष्ट्र से भी गूंज करके वापस आ रही है यूपी में, इसी पर कार्रवाई जरूर चल रही है। ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये हम आपको बताएंगे हमारे सहयोगियों के जरिए। लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हैं, मेरठ से सनुज शर्मा हैं और मुरादाबाद से उबैदुर रहमान हैं। इनसे हम समझेंगे कि कल जब आखिरी दिन है
तो किस तरीके से सभी रिपोर्ट सबमिट की गई है और इनके इनके क्षेत्र में कितने लाउड स्पीकर पर कितना काम हुआ है। इससे पहले बड़ी खबर आपको बताएं, सहारनपुर में यूपी एटीएस ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। देवबंद दारुल उलूम के एक छात्र को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। बांग्लादेशी फर्जी दस्तावेज मिले हैं इसके पास और इसी के जरिए देवबंद में ये पढ़ाई कर रहा था। गिरफ्तार किए गए स्टूडेंट से कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की भी खबर आ रही है। पाकिस्तान से भी आरोपी छात्र के लिए ट्रेनिंग मिली है उसे, ये भी खबर है। और 2015 से फर्जी कागजों के जरिए देवबंद में ही वो रह रहा था। देर रात सहारनपुर एटीएस की टीम ने देवबंद दारुल उलूम में जाकर के देखा तो रूम नंबर 61 से इस स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ेंगे और लाउड स्पीकर पर किस तरीके की कार्रवाई चल रही है ये जरूर हम आपको बता रहे हैं और क्या जमीनी हकीकत है, कहां कहां कितनी कार्रवाई हुई है, इसके लिए हम रुख करेंगे हमारे तीन सहयोगियों का। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से, मेरठ से सनुज हैं, मुरादाबाद से उबैदुर हैं। विवेक से शुरुआत करते हैं क्योंकि देखिए विवेक, कल आज देखा जाए कार्रवाई का आखिरी दिन है, कल रिपोर्ट सौंपी जानी है, कितना चेंज आपने नोटिस किया है पूरे लखनऊ में? देखिए इसने लता, सभी जगह से लखनऊ चूंकि कमिश्नरेट है और यहाँ पर एक मिसाल जो भी कार्रवाई होती है, जो भी नियम निर्देश का पालन कराना होता है, तो एक मिसाल के तौर पर लखनऊ को माना जाता है, राजधानी है, चूंकि शासन प्रशासन के सारे अधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्री सब यहीं पर मौजूद हैं। हम इस समय टीले वाली मस्जिद पर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लाउड स्पीकर लगे होते थे, और हम आपको दिखाएंगे नज़ारा। ये सामने टीले वाली मस्जिद में आप जो टावर देख रहे हैं, मीनारे देख रहे हैं, यहाँ पर लाउड स्पीकर होते थे। लेकिन जिस तरह से सहयोग और संवाद के जरिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने धर्म गुरुओं से बात करके और जो निर्देश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि एक परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए, एक जो निश्चित मानक है ध्वनि का उसके मुताबिक होना चाहिए, तो बहुत जो बड़े लाउड स्पीकर थे वो हटा दिए गए। अब देखिए सामने जो मीनार के बगल में जो गुंबद देख रहे हैं वो छोटे छोटे से लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, यानी बड़े लाउड स्पीकर हटा दिए गए और इस तरह के लाउड स्पीकर लगाए गए जिससे लोग यहाँ पर नमाज हो तो इस परिसर में ही उसकी आवाज़ सीमित रहे, जो और जो उनके जो धर्म से संबंधित जो पूजा पाठ है, इबादत है, वो यहाँ पर लोग कर सके, तो लाउड स्पीकर यहाँ सारे। और लखनऊ में, पूरे लखनऊ में अगर हम बात करें तो करीब 4,500 धर्म स्थलों से, वो मस्जिद ही नहीं है, मंदिर भी हैं, चूंकि मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, मंदिर से भी लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, मस्जिदों से भी हटाए गए हैं, ईदगाह है तमाम, वहाँ से भी हटाए गए हैं। 4,500 लाउड स्पीकर पिछले एक हफ्ते में हटाए गए हैं और करीब 12,000 के आसपास ऐसे हैं जिनका वॉल्यूम कम किया गया है, जिनकी ध्वनि कम की गई है। तो ये पूरी कार्रवाई चल रही है और जो अगर ये कहें तो सबसे ज्यादा कार्रवाई जो ध्वनि कम करने के ध्वनि के मानक है उसमें सबसे ज्यादा कार्रवाई पूरे प्रदेश में लखनऊ में कमिश्नरेट में हुई है। यहाँ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लगातार सामने आई है, मंदिर और मस्जिद दोनों पर ये कार्रवाई की गई है। और दूसरी चीज ये है कि जितना मानक है उतने मानक के दायरे में ही ये आवाज जा सकती है, लाउड स्पीकर लगा सकते हैं। मेरठ का जिक्र करना भी जरूरी होता है, हमारे सहयोगी सनुज हैं, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को नोटिस किया है। मेरठ में किस तरीके के बदलाव आपने देखे हैं और प्रशासन क्या कह रहा है सनुज? देखिए क्रांति का शहर है मेरठ और जब भी इस तरह की कोई बातें आती हैं तो धर्मगुरुओं से बात की जाती है, आपसी भाईचारा बढ़ाया जाता है और लोगों से बातचीत की जाती है, चाहे मंदिर की बात हो चाहे मस्जिद की बात हो, सभी जगह से जो लाउड स्पीकर है वो हटाए जा रहे हैं। कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पर लाउड स्पीकर लगे जरूर है लेकिन उनकी ध्वनि एक निर्धारित सीमा तक ही तय की गई है। उन्हीं में से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये जो मेरठ शहर है, मेरठ शहर की शाही जामा मस्जिद है, यहाँ पर जो आप ये गुंबद देख रहे हैं, यहाँ पर जो लाउड स्पीकर है वो लगे हुए ज़रूर हैं लेकिन इनकी ध्वनि जो है वो उतनी ही निर्धारित है जितनी कि एक निर्धारित मानक इनको दिया गया था। बाकी शहर के अगर तमाम मस्जिद या मंदिरों की बात करें तो वहाँ से जो लाउड स्पीकर है वो हटा लिए गए हैं। कई जगह ऐसी है कि जहाँ पर मंदिर की बात हो या मस्जिद की बात हो लाउड स्पीकर लगे हुए ज़रूर है लेकिन एक मानक है उस मानक के हिसाब से उनकी ध्वनि नजर आ रही है। और देखिए मेरठ शहर के लिए कहा जाता है अमन पसंद शहर है, क्रांति का शहर है और कभी भी जब इस तरह की बात होती है तो तमाम संप्रदाय के लोग एक साथ बैठकर और यहाँ फैसले लिया करते हैं और उसी फैसले का ये असर है कि यहाँ शहर से भी कभी 1,000 से ज्यादा ऐसे मंदिर मस्जिद है कि जहाँ से लाउड स्पीकर उतार लिए गए हैं लेकिन अगर कहीं है तो वो इस तरीके से उन मानकों के अनुसार बच रहे हैं कि ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो सके। तमाम धर्मगुरुओं ने बात की थी और सीधा कहा था कि देखिए ये एक अमन की बात है, सब लोगों को बैठकर फैसले लेने चाहिए। बिल्कुल सनोज, राजनीति राजनीतिज्ञ करते रहे लेकिन आपस में सौहार्द के साथ रहना लोगों को है,
तो मंदिर और मस्जिद दोनों जगह लाउडस्पीकर पर कार्रवाई भी हुई है और उनके आवाज को डेसिबल को मानक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लाया गया है, ये हमारे सहयोगी बता रहे हैं। अब मुरादाबाद का भी हम जिक्र करेंगे, वहां भी रुक करेंगे, हमारे सहयोगी उबैदुर इसकी सारी डिटेल देंगे। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बताएं, लखनऊ से ये खबर है जहां मनसे प्रमुख राज ठाकरे जून में अयोध्या आएंगे, ये बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताएं, अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करेंगे राज ठाकरे और 6 जून को सीएम योगी से लखनऊ में मुलाकात का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो चलिए अब फिर से रुक करते हैं जहां लाउडस्पीकर पर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, शहर शहर कितना प्रभाव है, कितना असर है, ये रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी। मुरादाबाद का रुक करते हैं, हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान का, जहां पर वो बताएंगे कि मुरादाबाद में कैसे एक्शन लिया गया है, क्या नंबर्स हैं, क्या डिजिट्स हैं जो निकल करके सामने आए। उबैदुर, देखिए मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद में लगभग 5 या 6 जगहों पे ऐसा था जहां पर बिना परमिशन के लाउड स्पीकर थे वो हटवा दिए गए हैं। इसके अलावा लगभग 500-550 जगहों पर जो धार्मिक स्थल थे वहाँ पर लाउड स्पीकरों की जो आवाज़ है वो मानकों के अनुरूप बहुत धीमी करी गई है। और सबसे बात क्लियर ये है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हुआ कि हर कोई अपनी पसंद से अपनी मर्जी से सौहार्दपूर्ण माहौल में मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर जहाँ गलत थे वहाँ उतरवाए गए या कम की गई, क्योंकि 2017 में भी योगी सरकार ने बैठते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकरों की आवाज़ और उनके परमिशनों का कार्य कर दिया था। यही वजह है, नेता भले ही बयानबाजी करते हो लेकिन एक हाईकोर्ट का आदेश है। और शुरुआत उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी ये हुई कि मुख्यमंत्री ने खुद गोरखनाथ मंदिर से लाउड स्पीकर की आवाज मानकों के अनुरूप कराई, वहां से लाउड स्पीकर उतरवाए। तो ये कोई नेताओं के बयानबाजी नहीं है बल्कि एक तरह का प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, जिस पर लगाम लगनी चाहिए थी। और यही वजह है कि चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, सभी लोगों ने इस बात को समझा कि नियम से ज्यादा नहीं। उन्होंने सबसे पहले गोरखनाथ स्पीच पे, जिसके लिए वो जिम्मेदार, जहां से वो शुरू होती है, उनकी ही वॉल्यूम को डेसिबल के अंडर में लाकर के ये संदेश दिया और उसके बाद से ये तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। सनुज, उबैदुर, आपका शुक्रिया इस रिपोर्ट के लिए। और विवेक, आप बने रहिए, अगली खबर पे हम आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां यूपी में लाउड स्पीकर हटाने पर कार्रवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ आज रमजान का आखिरी जुमा है और मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा होगी। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि अलविदा जुमे की नमाज सड़क पर अदा नहीं की जाएगी। प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि इस बार सड़क पर नमाज नहीं अदा होगी। वहीं विवाद से बचने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने पहल कर ली है और इस बार सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए, ऐसी अपील की है। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने का फैसला खुद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने लिया है। तो देखिए, अलविदा की नमाज को लेकर के धर्म गुरु ने भी पहल की है कि आइए मस्जिदों में नमाज अदा कीजिए, साथ में नमाज अदा कीजिए, सड़क पर नमाज अदा नहीं करिए। तो देखिए, आज अलविदा की नमाज, जहां पूरे देश से तस्वीरें आती हैं, और अगर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अलविदा की नमाज, इस जुमे की नमाज के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है प्रशासन की ओर से और पहल है धर्म गुरुओं की ओर से, जिन्होंने खुद लोगों से अपील की है कि ईदगाह में ही ये नमाज पढ़िए। इधर जुमे की अलविदा नमाज पर मुस्लिम धर्म गुरु सिफियाना निजामी का कहना है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नियमों के तहत ही किया जाएगा, नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। मुबारक का आखिरी जुमा है जिसको अलविदा कहा जाता है, और इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और तमाम मसाजिद के जिम्मेदार हैं, जहाँ बड़ी नमाजें होती हैं वहाँ पर इंतज़ाम इस बात के किए गए हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी दखल किसी आम राहगीरों के मामलात में ना हो सके, और इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि जो लाउड स्पीकर के सिलसिले में एडवाइजरी और डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी है उसका पूरा पास और लिहाज रखा जाए। लखनऊ से बड़ी खबर है, मनसे प्रमुख राज ठाकरे जून में अयोध्या आ सकते हैं और अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करेंगे राज ठाकरे। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, जहां 6 जून को सीएम योगी से लखनऊ में वो मुलाकात भी कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएं, जहां लखनऊ आ सकते हैं, दर्शन तो करेंगे ही रामलला के अयोध्या दौरे पर आने के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे, लेकिन सूत्र कहते हैं कि 6 जून को वो सीएम योगी से लखनऊ में मुलाकात भी कर सकते हैं। अभी जिक्र हुआ था उस चिट्ठी का जिसमें उन्होंने साफ कहा कि हमें महाराष्ट्र में योगी चाहिए, भोगी नहीं। लेकिन ऐसे में
इस चिट्ठी के बाद ये बड़ी जानकारी है कि वो खुद अयोध्या आएंगे और लखनऊ भी आएंगे, सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। चलिए इसके मायने समझते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी से, जो कि लखनऊ से जुड़ेंगे और समझाएंगे। विवेक, पहले तो एक चिट्ठी आती है जिसके चर्चे खूब होते हैं, इस लाउड स्पीकर की आवाज महाराष्ट्र से लौट करके आई है, वो भी तारीफों के फॉर्म में, और अब वो खुद आ रहे हैं। देखिए इसने लता, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर नहीं हटा सके उद्धव ठाकरे, इस बात को लेकर राज ठाकरे खासे नाराज हैं और उन्होंने हमला भी किया है, अपने चचेरे भाई पर हमला किया है। और उन्होंने कहा योगी जी को, उन्होंने मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने उनकी आड़ में उद्धव ठाकरे पर हमला किया और ये कहा कि योगी नहीं वो भोगी हैं, महाराष्ट्र की सरकार को उन्होंने भोगी बताया। क्योंकि जिस तरह से जो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लाउड स्पीकर चाहे वो मंदिर में हो या मस्जिद में हो, किसी एक धर्म विशेष के लिए आदेश नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी जगह पर आदेश दिया है, सभी धर्म स्थलों पर, और धर्म स्थलों के अलावा और भी जगह पर, जहां पर चाहे वो शादी ब्याह हो, जहां डीजे बजता है, जहां साउंड तेज होता है, लोगों को समस्या होती है, तो एक पर्टिकुलर धर्म के लिए आदेश नहीं है, ये एक सामान्य आदेश है और सभी पर लागू होता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से धर्म स्थलों पर कहा कि वहां की तेज आवाज लोगों को दिक्कत करती है, समस्या करती है, एग्जाम के टाइम है, घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको दिक्कत होती है, ऐसा उदाहरण प्रदूषण से शुरू होकर किस तरीके से धार्मिक और धार्मिक से राजनीतिक होता जा रहा है, उसकी बानगी ये खबरें भी हैं, ये चिट्ठी भी है। बड़ी खबर मिल रही है गोरखपुर से, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में बिहार के 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, पुलिस से मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस से मुठभेड़ में आपको ये भी बताएं कि 3 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। इन बदमाशों के पास से 2 पिस्टल तमंचा भी बरामद किया गया है। और दूसरे राज्यों के अपराधी भी अब यूपी में नहीं बचेंगे, ये संदेश साफ है उत्तर प्रदेश पुलिस का, अपराध नहीं चलेगा, अपराधी चाहे प्रदेश का हो या बाहर, सख्त एक्शन लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी सहयोगी नीरज से लेते हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? ये बिल्कुल बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री जहां गोरखपुर में, वहीं भोर में पुलिस से मुठभेड़ होती है। बिहार के कटिहार के रहने वाले बदमाश है जिनकी पहचान हुई है, करण वीरेंद्र शिवा और हैरान के रूप में, और ये पूर्वांचल ही नहीं बिहार के लिए भी सिरदर्द बने हुए थे। इन्होंने संतकबीर नगर में भी लूट की घटना को अंजाम दिया था, इसके साथ ही तमाम टप्पेबाजी और लूट की घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया है। और गोरखपुर में भी 4 ये लूट की वारदात कर चुके थे, और भोर में जब पुलिस चेकिंग कर रही थी मोहतीपुर में कैंट पुलिस, तो ये 4 बदमाश 2 बाइक पर सवार थे और भागने लगे। उसके बाद कैंट का जो छावनी रेलवे स्टेशन है उसके उसी रोड पर ये मुठभेड़ हुई है, और इस मुठभेड़ में 4 बदमाश को गोली लगी है, और उसके बाद ये बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। और इस घटना में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से अपराधी बिहार से आकर यहाँ पर इस घटना को अंजाम देते थे, और ये घटना को अंजाम देने के बाद बिहार तुरंत भाग भी जाते, बिल्कुल जाहिर है नीरज, बॉर्डर लगता है, ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है। देखिए इसी के तहत ये कार्रवाई सामने आई है, 3 बदमाश को गोली लगी है, घायल है वो। शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए। कानपुर से खबर है, जहां कानपुर की पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से गहने चोरी हुए हैं। निराला नगर शाखा से 15 लाख के जेवर गायब मिले हैं। बैंक लॉकर से जेवर गायब होने से बैंक में हड़कंप मचा है। किदवई नगर पुलिस ने बैंक पहुंच करके मामले की जांच शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी सहयोगी रतीश से लेते हैं। रतीश, क्या हो रहा है ये कानपुर के बैंक्स में? बिल्कुल, देखिए एक और नया बैंक निकल करके सामने आया है, जहां से 15 लाख रुपए के जेवर क्लेमेंट ने शिकायत की है किदवई नगर थाने में कि उसके लॉकर में 5 साल पहले रखे गए थे, और जब वो गुरुवार को पहुंचा अपने लॉकर को चेक करने के लिए तो उसे रखे गए जेवरात गायब मिले। इसके बाद किदवई नगर पुलिस को इतला की गई, सूचना दी गई, और उसके बाद किदवई नगर पुलिस ने मौके पर जाकर जब जांच की तो जेवर गायब मिले। फिलहाल शिकायत पत्र दे दिया गया है, FIR लिख ली गई है, और उसके बाद अब इसकी तफ्तीश शुरू होगी। कुछ ही दिन पहले 11 लॉकर टूटे थे कराची थाना शाखा से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, और उनको मुआवजा दिया गया है इस मामले का। रतीश, लेकिन अब इस खबर ने फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कितने सेफ है लॉकर, उनमें रखा गहने या फिर सामान, ये प्रशासन के लिए अब चुनौती है।